गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी जन्माष्टमी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी। उधर सजावट चल रही है, देख लीजिए, सजा रहे हैं, सुबह से लगे हैं, अभी ड्यूटी जाना है, 8:30 हो गया है, अब जाएंगे तैयार होके, नहाना धोना है, उनका भी फास्ट है, सभी का फास्ट है घर में, और 24 घंटे का फास्ट है, हम लोग 24 घंटा फास्ट रखते हैं। और ये देखिए, ये दुपट्टे से थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया ऐसे, और यहाँ पे देखिए, ये था पहले से घंटी, दीपावली में कभी लिया था हमने, कोई बर्तन अच्छा नहीं था तो ये हमने दीपावली में ले लिया था, तो वो रखा हुआ है ऐसे ही, कहीं लगाने के लिए कमरे में जगह नहीं है। और ये बच्चों के तो ड्रॉइंग किए हुए सारे शीट्स हैं, उसमें से काटे हैं ये मेरे मिस्टर, और थोड़ा सा लाइट वाइट लगा दिए। और ये एप्पल ट्री तो पहले मैंने बनाए थे ये, और वो तो फ्लावर है ही, और ये किसी ने गिफ्ट दिया है बच्चों के बर्थडे में, तो यहाँ खिलौना रखा जाता है ना, तो ऐसे मैंने रख दिया। वैसे मैंने ये सब देखा है कहीं पूजा पाठ में, मंदिर में, तो वैसे मैं कर रही हूँ, वैसे मेरे पास कोई ऐसे नहीं था पहले जन्माष्टमी का सामान, तो अभी कहीं जाना नहीं है इसलिए ये सब तैयारी मैं की हूँ। और ये तो है सोफा के साथ जो आया है ना, वो है, इसको मैंने कवर करवा दिया, साड़ी के पल्लू है, और ये थोड़ा मेरे पास कपड़ा था शुद्ध येलो कलर का, तो इससे मैंने कर दिया। और थोड़ी सी रंगोली बनाऊंगी अभी, चावल को जलते हुए कलर करूंगी, बस यही है। और ऊपर ये मंदिर है, तो इसमें तो अभी ये मूर्ति लाके रखे हैं, तो ये ऐसे ही भरा भरा है, अभी पूजा पाठ नहीं की हूँ, तो इसमें नहीं रखी हूँ, अलग से श्री कृष्ण की आज पूजा करेंगे, और अभी उनका गिफ्ट लाना बाकी है। तो अभी मैं ये फूड कलर है ना, इसी से कलर करूंगी, ये वाला चार कलर में ली हूँ, और इसी से मैं कलर कर देती हूँ चावल को। तो बस थोड़ा सा ही कलर इसमें यूज हुआ है, और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है इसमें चावल में, और इसको मैंने कलर कर दिया ऐसे स्पून से चला के, और थोड़ी देर इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी। ओके, तो हो गया चावल, मैंने कलर कर दिया। तो आज पता नहीं टाइम कैसे सारा दिन बीत गया, कुछ पता नहीं चला। थोड़ी सी रंगोली मैंने बनाई, थोड़े बहुत घर में इधर उधर काम किया मैंने, और बस थोड़ा सा बर्तन है, तो इसको साफ करने के बाद खाना बनाऊंगी, क्योंकि मेरे मिस्टर आज खाना के बिना नहीं रुकेंगे, उनको खाना खाना है, बोल रहे हैं कि मैं फास्ट नहीं रख सकता दिन भर और रात भर, मुझे आधा रात में खाना है, तो थोड़ा सा खाना बनाऊंगी। और जब पूजा हो जाएगा ना 12:30 में, तभी मैं पूरियां बना दूंगी, खीर पूरी हो जाएगा और सब्जी हो जाएगा दोनों। और अभी उनके लिए एक अच्छी सी चाय बना के देती हूँ उनको, और फिर उसके बाद ना केक बनाऊंगी, आज तो केक बनता ही बनता है कृष्ण जन्माष्टमी है तो केक तो बनेगा ही, तो केक बनाऊंगी ऐसे ही सिंपल सा कोई केक बनाऊंगी। तो अभी पहले एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ। सो गाइस, अभी रात के 11 बजे हैं, तो अभी पंचामृत बना लेते हैं, और ज़्यादा पहले से नहीं बनाना चाहिए, और बना लेते हैं ना तो फ्रिज में रख दीजिए, तो ये हाथों से तो आपको पता चल गया होगा कि कौन बना रहा है। तो रोज़ मैं एक रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आज मैंने बोला अपने मिस्टर को कि ये रेसिपी आप शेयर कर दो, तो अभी
इन्होंने दही में थोड़ा सा दूध डाला है, आपको जितना चाहिए उतना उतना बनाएं आप। तो दही में दूध डाल के फिर थोड़ी सी शहद डाले हैं, थोड़ा सा घी डाले हैं, और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो कच्चा दूध ही डालिए इसमें, दूध पका हुआ नहीं होना चाहिए, और थोड़ी सी चीनी डाले हैं। तो अभी ये हो गया पंचामृत रेडी, और यहाँ पे मूर्ति को देख सकते हैं कृष्ण भगवान की, कितने अच्छे से सजाए हैं देख लीजिए। और बस पूजा शुरू है। और जैसे ही कैमरा की तरफ मेरे मिस्टर का ध्यान गया ना, तो ये हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको विश कर रहे हैं। तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और यहाँ पे निशा वेट कर रही है ना कि कब केक कटेगा, तो देखिएगा थोड़ा सा उसका ड्रेस दिख रहा है, वहीं पे वो बैठी है और मैंने केक कट किया। और बस और आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे। और यहाँ पे देखिए मेरा राजस्थानी लहंगा, ये राजस्थानी लुक, ये जोधपुर का है। जोधपुर में जब हम लोग रहते थे ना, तो वहीं से मैंने ली थी आज से 5 साल पहले, और बहुत ही सुंदर है इसका कलर। ये नेट का ही लहंगा है और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, वहीं का ट्रेडिशनल लुक है ये लहंगे का। तो वहाँ तो ज़्यादा लोग पिंक या ऑरेंज ही ज़्यादा पहनते हैं, तो मैंने वहीं से लिया था। और मैंने अभी रश्मि को बोला कि थोड़ा कैमरा पकड़ो, बालकनी में तो मैं जाके दिखा नहीं सकती, अभी बारिश हो रही है। और किचन देखिए कितना मेरा फैला बिखरा है, दिन भर मैं इधर उधर लगी हूँ। तो और देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा इयर रिंग पहना है इसके ऊपर, और बस हो गया। और मैं दिखाना चाहती थी थोड़ा सा अपने लहंगे का लुक, और सारे लोग गए उधर रेस्ट करने के लिए। और अभी मैं थोड़ा सा खाना बनाऊँगी। खाना क्या, खाना तो बना ही है, थोड़ा सा पूड़िया तलूंगी। और रश्मि पीछे से बोल रही कि मम्मी थोड़ा सा खाना की वीडियो बनाओ, रेसिपी दिखाओ। तो खाना क्या बनाना है, थोड़ी सी पूड़ियाँ ही तलनी है। तो मैं बोली इधर लाओ मोबाइल को और दिखाओ, तो अभी ले आई है इधर। तो अभी बस पूड़ियाँ तल के और सबके लिए परोसूँगी। और दिन भर की भाग दौड़ में किसी को भी आज पता नहीं चला था कि लाइट है भी कि नहीं, और दोनों कमरे में कूलर चल रहा था, पंखा चल रहा था, और बस अब इन्वर्टर ख़त्म हो गया है, तो सारे गर्मी में इधर उधर बैठे हुए हैं और मैं भी किचन में इधर व्यस्त हूँ। और थोड़ी सी बस पूड़ियाँ तलने के बाद मैं चलती हूँ उधर सोने। और जो लौकी के पकौड़े यहाँ पे कट करके रखी हूँ ना, लौकी कट करके रखी हूँ ना, इसको देखती हूँ, थोड़े से पकौड़े बनाऊँगी उनको खाना है तो। और रात के 2:30 बज गए हैं और मेरी भी शक्ल देख सकते हैं, सोतू राम लग रही हूँ मैं। तो बस पूड़ियाँ तल दिया मैंने और अब खाना लगाऊंगी सबका। और निशा उधर एकदम व्यस्त है केक खाने में, और देख सकते सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। खाना काढ़ी दिया बस भक्त।